So, okay everyone, welcome back to our YouTube channel, Father and Son. And I hope आप सब बढ़िया होंगे. मैं और मेरे पापा बहुत ही बढ़िया है. एंड आज के वीडियो में हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टैच्यू है. तो हम मॉर्निंग में अभी कुछ 6 या 7 o'clock, कितने बजे भाई? 7 बजे निकलेंगे. हाँ, मतलब 6 बजे निकलने का सोचा था, बट अभी हम हाल फिलहाल में 7 बजे निकल रहे हैं. तो जो भी आगे के वीडियो में बात होती है वो मैं आपको मोटो व्लॉगिंग में ही बोलूँगा. तो फटाफट निकलते हैं अपनी आज की ट्रिप के लिए. सो लेट्स गो, निकलते हैं हमारी आज की ट्रिप के लिए. 7:25 को निकल रहे हैं. बाय बाय. हर हर महादेव. जय शिव शंभु. जय बजरंगबली. चलो बड़ी, लेट्स गो फॉर न्यू राइड. एंड निकलते हैं आज के ट्रिप के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. एक बार ये सिटी से बाहर निकल जाए ना तो अच्छे से समझ पड़े व्लॉगिंग करने में. एक बार ये सिटी से अच्छे से निकल जाए तो अब कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा ट्रैफिक आने नहीं वाला है बीच में. So, okay, buddies, आज है Day 2, 1, 2024. 2024 शुरू हो चुका है और आप सभी को मेरे और मेरे पापा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. एंड गाइस, काफ़ी वक्त से हमारे बकेट लिस्ट में था कि हम एक बार जाए अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप के लिए. बच गए भाई. तो बहुत वक्त से सोच रहे थे कि निकले अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप के लिए. तो कभी ऐसी प्लानिंग बनी नहीं कि निकले यार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, और अभी अचानक से प्लानिंग बनी है तो हम निकल चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए. तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको आई थिंक मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू है. तो आई थिंक सभी को पता होगा उसके बारे में. एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सूरत से कुछ 160 किलोमीटर्स की दूरी पर है. तो सॉरी गाइस, मुझे अभी पता चला कि मेरा जो कैमरा एंगल व्यू था वो थोड़ा सा सही नहीं था. मतलब मैंने वाइड एंगल पे रखा था, और जब मोटो व्लॉगिंग करते हैं तब आपको एंगल रखना है सुपर व्यू. तो मुझे याद आया तो मैंने अभी तुरंत स्विच कर लिया है. आई होप अभी आपको कैमरा एंगल व्यू सही से दिख रहा होगा. एंड आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद वाले हाईवे से अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. सुबह के 7:40 हो चुके हैं, 8 भी बज जाएगा अभी थोड़ी देर में. एंड फिर भी अभी यहाँ पे फॉग है, कोहरा ही कोहरा है यहाँ पे. तो काफ़ी ठंडी वाला मौसम हो रहा है और काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है सूरत में. सो आफ्टर ऑल अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं. एंड अब अपने भगाए गए गजराज को फटाफट, क्योंकि गजराज को हाईवे पे ही भगानी चाहिए. अरे गजराज क्या, कोई भी बाइक हो उसको हाईवे पे ही भगाओ यार, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ. विदाउट सेफ्टी कुछ नहीं. और ठंडी लग रहा है यार, सब ग्लव्स व्लव्स पहने फिर भी. तो अभी नाश्ते की बात की है पापा से मैंने, और हम अभी राजपिपरा में ब्रेक लेने वाले हैं, ये कन्फर्म हो चुका है. और राजपिपरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है. यानी राजपिपरा पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड डायरेक्ट रुकेंगे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. अपना पहला टोल प्लाजा, और निकलते हैं इस टोल प्लाजा से सबसे पहले फटाफट. लेट्स गो. वेरो तो अभी हम अपना पहला टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं. तो भरूच से हमको टर्न लेना है, और भरूच यहाँ से 49 किलोमीटर की दूरी पे से
यानी अपनी गाड़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया स्पीड में भाग रही है, यानी 3 घंटे में तो हम मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच जाएंगे। 7:25 को कुछ घर से निकले थे, 8 बजने वाले हैं। सो गाइस, अभी पापा वॉशरूम करने गए और अब पापा बाइक राइड करेंगे। और मैंने ग्लव्स पहन के रखे थे, फिर भी मेरे हाथ यहाँ पे पूरे ठीज गए, इतने ठंडे हाथ हो चुके हैं। पापा, आपको ठंडी लगी पीछे? नहीं, पीछे ठंडी नहीं लगी, क्योंकि मेरे आगे तू था, मुझे ठंडी नहीं लगी। ये बेइज्जती किया तारे की, बेइज्जती हो गई तेरी। चलो तो अभी पापा को दे देते गाड़ी राइड करने के लिए। और पापा, आप मोटो व्लॉग करोगे? ट्राई करता हूँ करने की, देखते हैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम केम से थोड़ा आगे आ चुके हैं और इसके बाद अगला है अंकलेश्वर आएगा, उसके बाद भरूच आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मोटो ब्लॉगिंग का। आज तक मैंने ये कुछ किया नहीं है, लेकिन जय अच्छी तरह कर लेता है तो मैंने उसको ही रखा है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो आज की वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ही कूल है और फॉगी वेदर है पूरा, आप देख सकते हो कैमरे के अंदर। अभी यहाँ से फिर से मैं थोड़ी देर राइड करूँगा 50 किलोमीटर और अभी यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ 90 किलोमीटर की ही दूरी पे है। ट्रिप एफ आ गया है, इट्स मेन गाड़ी रिजर्व में आ चुकी है, यानी हमको पेट्रोल भी फिल करवाना है। सो लेट्स गो। एक बार यहाँ से अभी हमको 4-5 किलोमीटर के बाद टर्न लेना है, उसके बाद मैं आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाता हूँ। हाँ, तो हमको भरूच वाला ब्रिज नहीं चढ़ना है, वरना यहाँ से सिर्फ भरूच 10 किलोमीटर है। ये ब्रिज चलोगे तो डायरेक्ट भरूच जाने को रहेगा। देख सकते हो आप वडोदरा 77 और अहमदाबाद 198, नेशनल हाईवे 48 है ये। तो अभी हमको ब्रिज के नीचे से टर्न लेना है, राइट टर्न, जगाड़िया में जाना है अपने को, जगाड़िया। ओके, ट्रैफिक अंदर एंटर होते ही ट्रैफिक लंबा है क्या? आप देख सकते हो ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, उसके वजह से ट्रैफिक था। बाबा, सेफ राइड प्लीज़ गाइस, कुछ भी हो बाइक वाइक की तो बात अब अलग है, उसको तो संभाल हुई, बट अपने आप की भी केयर लेना ज़रूरी है यार ये सब चीज़ में। तो ये वाले रोड पे हम पहले भी आ चुके हैं जब हम कुबेर भंडारी आए थे। कुबेर भंडारी स्टैचू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 40 या 50 किलोमीटर पहले ही है, और वो भी कुछ राजपिपला के पास से ही जाना है। तो अभी यहाँ पे एक मंदिर आता है जो गुमान देव का है मंदिर, मतलब हनुमान जी का एक मंदिर है, बहुत ही फेमस यहाँ का। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे 2 मिनट रेस्ट भी कर लेते हैं और साथ में हनुमान जी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं गुमानदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये हनुमान जी का। जो भी यहाँ पर आता है तो हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करते हैं, तो आइए अपने भी करते हैं हनुमान जी के दर्शन।
तो हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुके हैं हनुमान जी के, एंड अभी यहाँ से हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर्स की दूरी पे है। जय सियाराम, जय बजरंगबली, लेट्स गो फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। राजपिपला में ये ढाबा पे रुके हैं, और ये ढाबे में हम पहले भी रुके थे, और यहाँ का फाफड़ा और गोटा ना बहुत बढ़िया रहता है, तो अभी हमने वही ऑर्डर किया है, ना आ रहा है अभी। देन हम नाश्ता करेंगे एंड यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो यहाँ से हमने जेठालाल के फेवरेट फाफड़ा और हमारे फेवरेट गोटा खा के हमारी आगे की जर्नी हमने शुरू कर दी। तो अभी ये हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निकल चुके हैं। ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है हमारा, और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, हर सिद्धि माता मंदिर। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ये मंदिर ज़रूर आना। तो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने के बाद हमको रूम्स भी लेने हैं, होप रूम्स अच्छे मिल जाए हमको। तो हाँ गाइस, जब मैंने वीडियोस देखे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटीज़ के बारे में और उसकी इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करा था, तब हमको पता चला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे को बंद रहता है। तो प्लीज़ मंडे को वहाँ पे विजिट ना करें, और सोचना भी मत मंडे को वहाँ पे जाना है तो फिर ट्यूसडे से लेके संडे तक कभी भी आप जा सकते हो। ये हम राजपिपला से एग्ज़िट होते हुए यहाँ सीधू, ओके। तो सुबह के 11:36 हुए हैं, एंड फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ से हमको टर्न लेना है, वरना आगे चले जाते हम भी भाई फॉर्म में। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 12 किलोमीटर्स, एंड अभी सब कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से कुछ दिखने लग जाती है, इतनी लंबी स्टैच्यू है। तो लेट्स सी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बने कुछ 3-4 साल हो चुके हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये गड्ढा है संभाल के। तो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने 3-4 साल हो चुके हैं, और 3-4 साल से मन था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए, बट आ ही नहीं पा रहे थे, प्लानिंग ही नहीं बन रही थी। सोचा फैमिली के साथ जाएंगे, बट फैमिली वाले यहाँ की प्लानिंग नहीं बना रहे थे, उसके वजह से हमारी प्लानिंग कभी बनी नहीं। बट अभी हमको लगा कि हमारे पास अभी 2 दिन का थोड़ा सा कुछ टाइम है, तो हम निकल लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, जिससे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम भी लेंगे एंड आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी मेन रास्ता चालू हुआ है, ओके सब करती है, ओके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको माहौल दिख रहा होगा अभी भी थोड़ा सा धुंधला है, आई मीन थोड़ा सा अभी भी फॉग है, और हाँ इसके वजह से ही हमें स्टैच्यू नहीं दिख रहा था।
अभी हम यहाँ पे हमारी गजराज को पार्क कर देते हैं। अभी हम हमारे यहाँ पे बाइक को पार्क कर देते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे हमको बस या क्या बोलते हैं बस या कोई प्राइवेट रिक्शा करवा के जानी रहेगी। सो केविन, अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच चुके हैं एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड आगे की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में वो हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। वो पूरा पर्सनल ब्लॉग आने वाला है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, यहाँ पे क्या चार्जेस रहेंगे हर एक चीज़ के या कैसे यहाँ पे सुविधा है सब चीज़ की। तो ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।